ईमान अब आपने ऐड कर लेना जो भी है। ओके सर। लास्ट टाइम हम ना ये पढ़ रहे थे वीट की ग्रेडिंग के लिए कौन कौन से हमें फैक्टर्स होते हैं डिपेंड करते हैं, उसमें हमने फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे थे। उसमें अब हमारे पास इसी नंबर पे ग्रेन का साइज एंड शेप। ग्रेडिंग करते वक्त हम ग्रेन का जो साइज है और शेप भी देखते हैं कि वो किस साइज का है और किस शेप का है, तो उसके हिसाब से उसकी ग्रेडिंग करते हैं। एक जैसे साइज के जो हैं और शेप के वो सेपरेट कर लिए जाते हैं, और ये जो है इसकी यील्ड के ऊपर इफेक्ट इस तरह करते हैं कि मील अगर किसी के साइज में कुछ गड़बड़ है मशीन के हिसाब से, वो किसी और साइज को प्रेफर करती है, तो उसके अंदर से वो मशीन के अंदर भी कुछ लगे रह जाते हैं अगर कुछ ज्यादा छोटे हैं ग्रेन्स, और यहाँ अगर वो ऐसे अच्छी ग्राइंड हुए बगैर निकल आते हैं तो इस हिसाब से भी उसकी ग्रेडिंग की जाती है। और फिर साइज के हिसाब से उसको उसकी जो मशीन है उसके अंदर से उसकी हम मिलिंग करते हैं। कर्नल की उसके बाद हार्डनेस हमारे पास आ जाती है। इसके अंदर टेक्सचर हम देखते हैं उसकी के उसका कर्नल का कि वो किस तरह का है। हाथ से प्रेस हो के काइंडली वैसे तो ये पता चल जाता है कि उसकी जो स्ट्रेंथ है वो कितनी है। दो चीज़ों के ऊपर उसकी होती है, जो हमारे ग्रेन होता है वीट का, जो उसकी स्टार्च होती है एंडोस्पर्म के अंदर दो तरह की होती है, स्मॉल होती है और लार्ज होती है। जो स्टार्च के जो ग्रेनुल्स हैं वो प्रोटीन के साथ बाउंड होते हैं। ये डिपेंड करता है कि इसकी जो है आगे इसकी हार्डनेस कितनी होगी। जितना अगर वो बॉन्ड उसके साथ जो स्ट्रांग होगा उतनी उसकी हार्डनेस ज़्यादा होगी स्टार्च ग्रेन्यूल्स का प्रोटीन के साथ। और जो प्रोटीन का मैट्रिक्स है वो भी स्टार्च के जो है राउंड्स पे वो डेंस होता है। जितना वो डेंस होगा उतनी ही उसकी हार्डनेस जो है वो ज़्यादा होगी। और अगर उसके अंदर जो है हमारे बॉन्ड जो है वो लूज होंगे उसकी हार्डनेस कम होगी, वो इजीली ब्रेक हो जाएगा। ये जो प्रोटीन की डेंसिटी के ऊपर और स्टार्च और का प्रोटीन के साथ जो है बॉन्ड होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। प्रोटीन इसमें क्या है वो आपको पता है, ग्लूटेन होती है, और जो स्टार्च है वो स्मॉल और लार्ज ग्रेन्यूल होते हैं। एंडोस्पर्म का जो मेन पार्ट है वो स्टार्च ही होता है। जो हार्डनेस है उसको हम मैयर कैसे करते हैं, पार्टिकल साइज इंडेक्स, ये हमारे पास एक एनालिसिस टेस्ट होता है, इसको हम करते हैं साइक्लोन मिल्स के जरिए, जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है। और ये जो 75 US सीव है ये इसका होता है साइज, जो हम वीट के लिए करते हैं। इसके अंदर बाकी ग्रेन्स भी हम कर सकते हैं इस टेस्ट के अंदर। ये चारों टेस्ट हैं। अगला है NIR, ये इसको कहते हैं हम नियर इंफ्रारेड एनालिसिस है, इसको हम स्पेक्ट्रोग्राफ के ऊपर करते हैं। आपने सिर्फ इसके नाम इसमें याद कर लेने हैं, जो हमने इसकी डिटेल है टेस्ट की वो नहीं करनी। पावर उसके बाद है जी, पावर रिक्वायर्ड फॉर द ग्रेन क्रशिंग, जो हम मिल्स के अंदर से ये हम निकालते हैं ग्रेन्स को क्रशिंग के दौरान, उसकी हार्डनेस को मेजर करने का एक तरीका ये भी है कि हमारी जो मशीन है उसको उसके लिए ग्राइंड करने के लिए कितनी पावर की ज़रूरत है। उसके बाद आता है हमारे पास नॉइस ड्यूरिंग क्रशिंग। नॉइस पे इस तरह है कि जो जितना हार्ड होगा हमारे पास वीट का कर्नल उसकी जो है आवाज़ उतनी ही ज़्यादा होगी, उसकी ग्राइंडिंग के दौरान उसकी ही ज़्यादा आवाज़ आएगी, तो उससे भी हम हार्डनेस को इसकी मेजर कर सकते हैं कि नॉइस को मेजर करके कि इसकी नॉइस ज़्यादा है तो इसकी हार्डनेस कितनी है और इसकी हार्डनेस कितनी है। जो हार्डनेस है ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट है इसका रोल, तो इसलिए हम इसको लाजमी में मेजर करते हैं ड्यूरिंग द ग्रेडिंग। उसके बाद हमारे पास ग्रेन कलर आ जाता है। ग्रेन कलर रेड से लेकर वाइट तक क्या वेरी करता है, लाजमी नहीं है कि यह सिर्फ रेड हो या सिर्फ वाइट हो। रेड को हम अच्छा कंसीडर करते हैं, इसमें ब्रांड ज़्यादा होता है, न्यूट्रिशनल प्रोफाइल के हवाले से इसको अच्छा समझा जाता है। जितना रेड होगा तो उतना ही उसको न्यूट्रिशनल प्रोफाइल के हवाले से हम देखेंगे कि ज़्यादा है, इसमें प्रोटीन ज़्यादा है। जितना वो वाइट होता जाएगा उसके अंदर उतना स्टार्च जो है वो थोड़ा ज़्यादा रहेगा, और उसको हम अगर तो ब्रेड मेकिंग के अंदर है तो उसको ज़्यादा प्रेफर करेंगे, लेकिन जो बिल्कुल वाइट है उसको भी हम प्रेफर नहीं करते। इसके बाद आ जाता है विट्रियसनेस, ये वो अपीरेंस होती है ग्लास लाइक, इसको कहते हैं कि शाइनी और ग्लास लाइक, कितना ट्रांसपेरेंट सा है। इस हिसाब से भी हम इसकी जो है ग्रेडिंग करते हैं। ये ऊपर उसके कलर के ऊपर भी डिपेंड करता है, क्योंकि उसमें प्रोटीन ज़्यादा है तो उतना वो डेंस होगा। इसमें अब दो तरह के हैं हमारे पास, विट्रियस और नॉन विट्रियस। यहाँ तो वो विट्रियस होगा मतलब कि ग्लास लाइक शाइनी सा होगा, या वो डेंस सा होगा जिसके अंदर से हमें अपेक
इनकी नज़र नहीं आएगा। विट्रस कर्नल आर इज हॉर्न लाइक विद नो एयर स्पेसिस, इसके अंदर एयर स्पेसिस नहीं होती और इसको वो ज़्यादा प्रेफरेबल होता है इंडस्ट्री के अंदर। इन केस ऑफ नॉन विट्रस इट इज़ ओपैक एंड मीली। ओपैक एंड मीली का मतलब ये है कि ये थोड़ा सा रेड से कलर का होता है, रेड ला लें या डेंस डेंस लगा लें, डेंस होता है इसके अंदर, हम ट्रांसपेरेंट सा नहीं होता कलर इसका, शाइनी नहीं होता। और मीली का मतलब है कि वैसे फुल फिल्स और भरा हुआ सा लगता है। उसके बाद हमारे पास डैमेज्ड ग्रेन्स, इसके अंदर हमारे पास आते हैं ब्रोकन कर्नल्स जो टूटे हुए होते हैं, छिले हुए होते हैं या डैमेज होते हैं इंसेक्ट से, और उसके ऊपर हमारे जो है कर्नल्स कुछ डिजीज की वजह से भी इफेक्ट हो जाते हैं, मतलब कि उनके ऊपर कुछ निशान आ गए हैं या वैसे भुनने शुरू हो गए हैं, टूट चुके हैं। तो इसके हिसाब से इसकी ग्रेडिंग होती है कि जो अब हमारे पास अच्छी क्वालिटी है उनको सेपरेट कर लेते हैं, और जो इनको यहाँ निकाल देते हैं इनको अलहदा से फिर ट्रीटेड और प्रोसेस किया जाता है। मिलिंग की जो क्वालिटी के ऊपर ये डिपेंड करते हैं, अगर एक के अंदर ज़्यादा होंगे हमारे पास तो डेफिनेटली वो हमारी जो है यील्ड उसके अंदर कम आएगी, क्या ग्रेन ज़्यादा है यील्ड कम आएगी। उसके बाद ये न्यूट्रिशन के ऊपर बहुत इफेक्ट करते हैं ससेप्टेबल टू डिज़ीज़, और इसके ऊपर हमारे शक होता है कि ये मे बी डिज़ीज़ की वजह से अगर ये डैमेज है तो स्टोरेज के दौरान ये नहीं टाइम निकालेंगे, और इसकी जो प्रोडक्ट क्वालिटी है वो भी ठीक नहीं होगी हमारी। इसके बाद हमारे पास आता है जी फॉरेन मैटर, जिसकी बेस के पे हम इसकी ग्रेडिंग करते हैं वीट की। इसके अंदर क्या क्या आ जाता है हमारा, ड्यूरिंग प्रोसेसिंग भी आता है, ड्यूरिंग हार्वेस्टिंग भी आता है, और ड्यूरिंग इसकी स्टोरेज भी इसके अंदर चीज़ें ऐड हो सकती हैं जिनको हम फॉरेन मैटर कहते हैं। उसके अंदर डस्ट भी है, डर्ट भी है, स्मॉल स्टोन्स हैं, वीट सीड्स हैं। तो जिसमें जितने ज़्यादा होंगे उसकी अलहदा ग्रेडिंग हो जाएगी, जिसमें कम होंगे वो गुड क्वालिटी की होगी उसकी ग्रेडिंग अलहदा हो जाएगी। जो इम्प्योरिटीज़ हमारी वीट के अंदर शामिल होती हैं जिनको हम रिमूव कर सकते हैं क्लीनिंग से, कोई भी क्लीनिंग ऑपरेशन होगा उसको हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। जो ये इम्प्योरिटीज़ जैसे कि हम डस्ट है उसको हम क्लीनिंग से हम निकाल सकते हैं, स्मॉल स्टोन्स को, तो ये हमारी रिफ्रैक्शन है। इसके लिए हमने पहले पढ़े हैं जी इसके फिज़िकल क्राइटेरियाज कौन कौन से होते हैं हमारे, जो हम वैसे देख के या सिंपली मैयर करके उसके ऊपर अपीरेंस से शेप से हम उसकी ग्रेडिंग करते हैं, उसको हम फिज़िकल क्राइटेरियाज में हमने भी पढ़ा है। इसके बाद हमारे पास आते हैं केमिकल क्राइटेरियाज, मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं केमिकल क्राइटेरियाज इसकी स्टोरेज के दौरान, क्योंकि हमने देखना होता है कि इसमें जो स्पॉयलेज है वो इनकी वजह से हो सकती है। उसके बाद हमारे पास हैं कि जब हार्वेस्टिंग करते हैं तो उसकी जो हमारे पास होती है जो मॉइस्चर कंटेंट है वो लेस दैन 10% होना चाहिए, और सेफ स्टोरेज के लिए ये मैक्सिमम 12% होना चाहिए। अगर जो है 12% से ऊपर जाता है तो इसके ऊपर हमारे अंदर स्पॉयलेज के चांसेस बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं। अगर ये हमारा 16% मॉइस्चर से ज़्यादा इसका एक्सीड कर जाता है तो इसके अंदर जो फंगल ग्रोथ शुरू हो जाएगी। अब मॉइस्चर कंटेंट जो है अगर वो ज़्यादा है तो ये इम्पोर्टेंट है इसके लिए, अगर हमने सेल करनी है या ख़रीदनी है। अगर हम देखेंगे मॉइस्चर कंटेंट इसका डिटर्मिन करेंगे सैंपल लेके, तो अगर तो हम उसका मॉइस्चर कंटेंट 16% होगा या उससे ज़्यादा होगा तो ना तो हम उसको सेल कर सकते हैं क्योंकि कोई लेगा नहीं, और ना ही हम उसको खुद परचेज़ करेंगे क्योंकि हमने जब स्टोर करना है तो उसके अंदर एक तो ऑलरेडी फंगल ग्रोथ हो चुकी होगी या हो जाएगी, और 12% तक हमारा ये होता है तो उससे ऊपर हम इसको परचेज नहीं करेंगे। जिनको नहीं पता वो तो ख़रीदेंगे, लेकिन इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से वो पहले इसके सैम्पल एनालिसिस होती है, तो फिर अब वो मे बी खुद करें सैम्पल के एनालिसिस या ये किसी और से करवाएं थर्ड पार्टी से उसका सैम्पल लेके। तो अब ये बड़े ज़रूरी हो गए इंडस्ट्रीज के अंदर भी। मॉइस्चर कंटेंट को हम ओवन ड्राइंग के जरिए कर सकते हैं 105 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर इसकी ओवन ड्राइंग करेंगे, उसके बाद हम इसका वेट करके उसके अंदर से मॉइस्चर कंटेंट को डिटरमिन करेंगे कितना था पहले और अब कितना है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है प्रोटीन कंटेंट। प्रोटीन कंटेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी जो है ग्रेडिंग के लिए, क्योंकि हमने इसके हिसाब से हमें इसकी जो है प्राइस भी है वो भी कम और ज़्यादा मिलती है इंडस्ट्रीज़ में। प्रोटीन कंटेंट हैव अ लीनियर रिलेशनशिप विद द लॉ वॉल्यूम। अगर हम किसी ब्रेड की इंडस्ट्री के हिसाब से देखें तो प्रोटीन कंटेंट जितना ज़्यादा होगा उतना ही उसका जो लॉफ का वॉल्यूम है, लॉफ को है जो ब्रेड मेकिंग के दौरान हमारी डो के बाद उसकी जो एक्सपेंड करता है उसका, उसको हम लॉफ कहते हैं। ये फाइन सा स्ट्रक्चर बन जाता है
तो जितना उसके अंदर प्रोटीन कंटेंट हमारे पास ज़्यादा होगा तो उतनी ही उसकी लॉ ऑफ जो क्वालिटी है और लॉ ऑफ का वॉल्यूम है वो अच्छा होगा। डिपेंड अपॉन द एग्रो इकोलॉजिकल कंडीशंस एंड इनपुट अप्लाइड, जो प्रोटीन कंटेंट है इसके अंदर वो एग्रो इकोलॉजिकल कंडीशंस मतलब कि जो माहौल है वो इसके ऊपर बड़ा डिपेंड करता है, किस तरह की वो एरियाज के अंदर ग्रो हुआ है, किस तरह की ज़मीन के अंदर ग्रो हुआ है, उसके बाद जो हमने उसके ऊपर प्रोसेसिंग की है वो हमने किस तरह किया, या कि हमने उसके ऊपर ऐसी प्रोसेसिंग की है जो उसकी प्रोटीन को डैमेज कर देती है, तो वो उसमें फिर प्रोटीन जो कंटेंट है हमारा कम होगा, और इसी तरह की प्रोसेसिंग अगर हम ऐसी है कुछ ऐसी है जिसकी वजह से उसका प्रोटीन कंटेंट डैमेज नहीं होगा तो उसमें ज़्यादा होगा। अमंग जो है कमर्शियल वराइटीज़ हमारे पास हैं उसके अंदर 8 to 12% होना चाहिए होता है इसके अंदर प्रोटीन कंटेंट जो है। बेकिंग क्वालिटी अफेक्टेड बाय प्रोटीन क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों के साथ अफेक्ट होती है, हमारी जो बेकिंग क्वालिटी है वो हम देख लेते हैं कि कैसे। 1 मिनट जी, जो ग्लूटेन की स्ट्रेंथ है, अब एक्चुअली तो जो प्रोटीन है वो ग्लूटेन की फॉर्म में ही है हमारे पास एंडोस्पर्म के अंदर। जो ग्लूटेन की स्ट्रेंथ है वो एक डिपेंड करती है कि हमारा जो है वो ब्रेड हमारी किस तरह की बनेगी, बेकिंग क्वालिटी, ब्रेड अकेली नहीं कोई भी बेकिंग क्वालिटी है वो किस तरह की होगी। प्राइम फैक्टर फॉर डिटर्मिनिंग द प्रोटीन इज ग्लूटेन, ग्लूटेन क्वालिटी इन वे इन प्रोटीन डिटर्मिन्स इट्स बेकिंग क्वालिटी। ग्लूटेन हमने पहले भी डिस्कस किया है कि इलास्टिसिटी को करता है हमारा कंट्रोल, जितना ग्लूटेन कंटेंट हमारा ज़्यादा होगा उतनी ही इलास्टिसिटी उसके अंदर ज़्यादा होगी, बॉन्ड जो है वो ज़्यादा अच्छा बनेगा, तो अब वो टूटेगी नहीं हमारी जो ब्रेड के दौरान हम उसकी बेकिंग करेंगे। ग्लूटेन स्ट्रेंथ इज रिलेटेड टू द एबिलिटी ऑफ फ्लोर टू प्रोड्यूस हाई वॉल्यूम ऑफ द ब्रेड, जितना ही ग्लूटेन कंटेंट है उसका हमारे अंदर ज़्यादा होगा उतनी ही उसकी जो है जो स्ट्रेंथ वॉल्यूम है जो ब्रेड का वो ज़्यादा होगा, वेल शेप्ड लोफ बनेगा और फाइन क्रम्ब स्ट्रक्चर, क्रम्ब स्ट्रक्चर का मतलब है कि जो उसका ब्रेड का इनर स्ट्रक्चर है वो बड़ा ही फाइन होगा, वो टूटेगा नहीं जल्दी, उसके वो क्या नाम उसको कहते हैं ब्रेक, जल्दी से ब्रेक नहीं होगी उसकी जो है क्रम्स का जो स्ट्रक्चर है, हार्ड नहीं होगा जल्दी, तो कटिंग के दौरान भी उसकी हम देख सकते हैं कि वो बड़ा सॉफ्ट सा होगा। इन सारी चीज़ों के ऊपर जो है ग्लूटेन की स्ट्रेंथ और प्रोटीन कंटेंट जो है वो डिपेंड करते हैं। ग्लूटेन क्रिएट्स द इलास्टिसिटी ऑफ द डो एंड डिटरमिन्स इट्स एबिलिटी टू कंटेन द कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग राइजिंग, ये जो गैस है इसको वो रखता है अपने अंदर ताकि वो जब हमने उसकी करनी होती है प्रूफिंग तो तब उसकी जो है लोफ का वॉल्यूम सबसे ज़्यादा से ज़्यादा रहे और बेकिंग के दौरान वो और ज़्यादा जो है फूल जाए। ग्लूटेन को डिटर्मिन किस तरह करते हैं, इनके भी डिफरेंट टेस्ट हैं, आपने इनके भी सिर्फ हमने नाम याद करने हैं, आपने लाजमी मिक्सोग्राफ है, फरीनोग्राफ है, एक्सटेंसोग्राफ है, एल्वियोग्राफ है, ये अब हम जो ग्राफ्स हैं इनके ऊपर इस तरह डिटर्मिन करते हैं कि ग्लूटेन की क्वालिटी को, कि डो पैर इसमें हम डो को करते हैं कि डो इलास्टिसिटी इसकी कितनी है, फिर एक में आता है हमारे पास कि हमने देखना है क्या आया कि जब हमने उसकी डो बना रहे होंगे तो मशीन तो उसकी रेजिस्टेंस कितनी है मशीन के अगेंस्ट, के कितना जोर ले रही है हमारी मशीन। फिर हमारे पास आता है कि हम एक तरीका ये होता है कि जो ड्यूरिंग डो मेकिंग जो उसके अंदर जो बबल्स बनती हैं उसकी अगेंस्ट उसकी कितनी रेजिस्टेंस है हमारी इसको तोड़ने टूटने की, तो ये इसके मेथड्स होते हैं, नाम इसके हमारे लिए काफ़ी हैं ये। इसके बाद हमारे पास आता है ऐश कंटेंट, तो जब हमने ये इसके एनालिसिस करने होते हैं उसके साथ ही एयर मॉइस्चर के साथ ही ऐश कंटेंट भी हमारे पास हो जाता है उसका सैंपल एनालिसिस, तो उसके हिसाब से भी हमने इसकी वीट की ग्रेडिंग करनी होती है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये भी। इंडिकेट मिनरल कंटेंट इन द वीट ग्रेन, जो जितने उसके अंदर मिनरल्स हैं कम है या ज़्यादा हैं ऐश कंटेंट के जो एनालिसिस है उससे ये भी डिटर्मिन हम कर सकते हैं। हैव डायरेक्ट रिलेशनशिप विद द फ्लोर यील्ड, हायर एट द ऐश कंटेंट लोअर द फ्लोर यील्ड। अब ये कैसे है जी कि हम जितना ज़्यादा हमारे पास ऐश कंटेंट निकल आएगा उसके अंदर से उतनी ही हमारी कम जो है वो फ्लोर निकलेगा। ऐश कंटेंट बुरा नहीं है क्योंकि लेकिन इसके अंदर मिनरल्स होते हैं, लेकिन हमें क्योंकि फ्लोर में से चाहिए क्या होता है, हमें चाहिए होता है वीट, सॉरी हमें भी इसमें से ग्रेन्स में से चाहिए होता है फ्लोर एंडोस्पर्म इन केस का, तो हमने उसकी क्वालिटी जो है उसके हिसाब से देखनी होती है यील्ड के हिसाब से, ताकि हमें उसकी पेमेंट ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके, उसकी जो है यील्ड हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो
तो अगर तो ग्रेन का साइज जो है वो एक जैसा है तो उसके अंदर अगर ऐश हमारे पास ज्यादा निकल आएगी, एक तो डिपेंड करता है कि वेट का साइज जो ग्रेन है उसका साइज क्या है। अगर तो ग्रेन बड़ा है तो डेफिनेटली उसके अंदर से ऐश ज्यादा निकलेगी, ग्रेन छोटा है तो उसके अंदर से ऐश हमारी कम निकलेगी। लेकिन एक होता है कि ग्रेन का साइज हमारे पास सेम है, उसके अंदर से सेम साइज के ग्रेन्स के अंदर से अगर किसी के अंदर हमारे पास ऐश ज्यादा निकल रही है तो डेफिनेटली उसकी जो है फ्लोर की यील्ड है वो कम हो जाएगी। तो इस हिसाब से ज्यादा ऐश वाला भी हमें उसको नहीं ज्यादा प्रेफर करते। ऐश कंटेंट डिटरमाइन द मिलिंग क्वालिटी, जितनी ऐश ज्यादा होगी उतनी उसकी मिलिंग क्वालिटी भी कम होगी क्योंकि उसके अंदर छानने की रिक्वायरमेंट भी उतनी ज्यादा होगी। शुड नॉट बी मोर देन 0.3% इन द वीट, जो इसकी अब स्टैंडर्ड्स होंगे उसमें ये इनफ है, होता नहीं है होगा ज्यादा इससे। लेकिन अब जितना ग्रेन का साइज हमारा छोटा होगा उतना उसके अंदर ऐश कंटेंट ज्यादा होगा क्योंकि उसके ऊपर जो हमारा ब्रैन है उसका हल या और हस्क है उसका जो कवर है वो तो उतना ही रहना है। ग्रेन का साइज छोटा है तो उसके अंदर से हमारा फ्लोर जो है वो कम निकलेगा, उसका ऐश कंटेंट ज्यादा हो जाएगा। तो इसलिए या तो हम इसको मिक्स करते हैं छोटे ग्रेन्स को बड़े ग्रेन्स के साथ ताकि वो हमारा इक्वल हो जाए, उसका जो ओवरऑल यील्ड है वो हमारे पास उसकी सेम रहे या उतनी जो उसकी बियरेबल क्वालिटी है लिमिट है उसके अंदर अंदर है उसकी 0.3% जो है। कोई भी अगर हम लेते हैं हमारे पास कोई आता है लॉर्ड्स का वीट के कर्नल्स का तो उसका जब हम सैंपल करेंगे तो उसकी जो है 0.3 से ज़्यादा उसके अंदर ऐश कंटेंट नहीं होना चाहिए। इफ़ वी सेपरेट ब्रैन फ्रॉम द फ्लोर वी आर रिमूविंग मिनरल्स एंड फ्लोर इफ इज ऑफ इंफीरियर क्वालिटी। अब ये है कि इसमें हम अगर ब्रैन को रिमूव कर देते हैं इसके जो ऐश कंटेंट को हम कम करने के लिए तो वो भी हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि क्योंकि उसकी जो है मिनरल क्वालिटी जो है हमने कौन सा देख के करना है कि उसकी ऐश को रिमूव कि हम कौन सा मिनरल उसमें से रिमूव कर रहे हैं। तो हम ऐसे उसको इन द बियरेबल लिमिट लाने के लिए हम उसकी जो है मिनरल कंटेंट्स को रिमूव नहीं कर सकते, उससे भी जो इसकी क्वालिटी है वो इंफीरियर में आ जाएगी। हायर ब्रैन इन द फ्लोर रिजल्ट्स इन लोअर लॉफ वॉल्यूम, जितना उसके अंदर ब्रैन का कंटेंट हमारे पास ज्यादा होगा उतना उसका जो लॉफ वॉल्यूम है वो कम होगा। उसकी क्या वजह है? अब इसीलिए हम इसके अंदर मैदा यूज करते हैं ताकि उसके अंदर ब्रैन कंटेंट ना हो, जो है उसकी जो शेप के ऊपर ऐश के कलर चेंज हो जाएगा, उसकी ऐश के ऊपर आ जाएंगे निशान से ऐश के आ जाएंगे हमारी ब्रेड के ऊपर, उसका जो स्ट्रक्चर है वो रप्चर होना शुरू हो जाएगा एजेस से भी और वैसे भी टूटने लगेगा, वो जो अच्छी शेप हमें नहीं देगा लोफ की और ब्रेड की। इसके बाद आता है हमारे पास ऐश कंटेंट डिपेंड्स ऑन ग्रेन साइज एंड शेप, मोर ऐश कंटेंट इफ स्मॉल ग्रेन्स एंड शेवर ग्रेन्स। इसमें अगर हमारे पास छोटा है तो डेफिनेटली उसके अंदर ब्रैन उसके ऊपर जो है स्कल और हस्क वो तो उतना ही रहेगा तो हमारे पास जो है उसके अंदर यील्ड जो है वो कम हो जाएगी फ्लोर की। तो इसलिए हम अगर अच्छे ग्रेन्स होंगे बड़े होंगे तो उसके ऊपर जो शेल उतना ही रहेगा लेकिन उसके अंदर से जो मटेरियल है हमारे पास फ्लोर का वो ज़्यादा निकलेगा। जितने टूटे हुए ग्रेन्स होंगे उसके अंदर भी वो डैमेज स्ट्रेन्स हैं उसके अंदर भी ऐश कंटेंट हमारा ज़्यादा निकलेगा। हायर ऐश कंटेंट अफेक्ट्स ब्रेड्स वाइटनेस, जितना ऐश ज़्यादा होगा उसका उतना कलर जो है वाइट है वो ज़्यादा होगा, वाइट नहीं होगा क्योंकि उसकी फिर क्वालिटी को भी अफेक्ट करेगा। इफ हायर ऐश कंटेंट न्यूट्रिशनली सुपीरियर प्रोडक्ट्स, अगर जो है इसमें कह रहे हैं हमने ये तो देख लिया कि ऐश कंटेंट हमारे पास ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर हमारे पास ऐश कंटेंट ज़्यादा है तो अगर न्यूट्रिशनली हम देखें तो हमारी जो प्रोडक्ट्स होंगी वो सुपीरियर क्वालिटी की होंगी। अगर जिसको न्यूट्रिशन के हवाले से चाहिए, जिसको सिर्फ ब्रेड चाहिए और वो चाहिए वीट चाहिए फ्लोर चाहिए, उसके लिए वो इन्फीरियर क्वालिटी में आएगा। इसके बाद हमारे पास आता है क्रूड फाइबर, एनी प्लांट मटीरियल विच कैन नॉट बी डाइजेस्टेड बाई एंजाइम्स प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड डाइट्री फाइबर। क्रूड फाइबर की जो हमारे पास रेंज है वो 2 to 3% है। हाई ब्रैन कंटेंट्स हायर विल बी द क्रूड फाइबर, जितना ब्रैन कंटेंट हमारा ज़्यादा होगा उतना हमारा जो क्रूड फाइबर है वो ज़्यादा होगा। क्रूड फाइबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारी बॉडी के लिए तो इसलिए भी हम इसको ब्रैन को जो है वो रिमूव करना नहीं चाहिए। सिमिलरली शिवर ग्रेन्स हैव हाई क्रूड फाइबर कंटेंट क्योंकि उसके अंदर जो है वो जो हमारे पास ये उसकी है फ्लोर की वो कम हो जाएगी तो क्रूड फाइबर उसके अंदर हमारा ज़्यादा हो जाएगा। काफ़ी है इतना मेरा ख्याल।
ठीक है जी, इतना आज के लिए काफी है। कोई इशू तो नहीं है किसी को जिसने नोट्स पढ़े? बाद में ना वो उधर मैसेज कर दे ग्रुप में जिसका टाइम ओवर हो रहा है। सॉरी, कोई भी अगर किसी को इशू हो तो उसमें व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकता है।